क्या स्लेवरी को गलत समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं गलत समझूंगा, जरूरी आप थोड़ी ना कि स्लेवरी जो को चीज गलत मैं नहीं सही, समझते पर मैं करूंगा नहीं ना। भाई? आप स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? अगर अगर मान लो अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और मैं नहीं करता वो चीज, तो क्या वो सही नहीं है? अरे भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? ये जो एक मोहम्मद शमी साहब जो है, ये तो मेरे को ओरिजिनल नाम इनका तो नॉन मोमिन वाला है भाई, क्यों नाम चेंज करके आ रहे हो? ये गलत तरीका है प्यारे मोहम्मद शमी जी भाई, मोमिन है? मैं मोमिन बनने की राह पे जा रहा हूँ, तो मेरे को आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी है जो मुझे समझ आई है। क्या भाई आप 2 मिनट दे सकते हैं? जब मोमिन बन के पेंसिल छिलवा लोगे तब आके डिस्कस करना। अगर अगर आपको मेरा आर्गुमेंट 2 मिनट में सही नहीं लगता तो फिर आप मेरे को निकाल देना। सर अगर आप जब लॉजिक की बात कर मोमिन रहे हो तो सबको चांस क्यों नहीं दे रहे? भाई, यहाँ पे हम हर एक टॉपिक पे जो डिस्कशन करते हैं, उतना सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इस्लाम सही है तो प्लीज गो नहीं, अहेड। मैं बस आपसे, अगर आप मेरे को 2 मिनट दें तो मैं आपसे बात, अपना लॉजिकल आर्गुमेंट रखूंगा, बट आप पहले परमिशन दे दें। सर मैं क्या कह रहा क्योंकि हूं, जी आप कब सर, से चैनल देख रहे हैं? मुझे अभी 1 हफ्ते ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली। ओके, आप और बाकी सारे डिस्कशन देखे सुने और उसके बाद अगर अगर अपना। अगर आपको मेरा आर्गुमेंट सही नहीं लगता तो फिर आप निकाल दें, बट आप मुझे एटलीस्ट एक चांस दें आर्गुमेंट रखने का। क्या क्या आर्गुमेंट आपका सुनना है? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर हम, सिंस आप गॉड में बिलीव नहीं करते, तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर हम गॉड का कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे फ्रॉम ह्यूमंस, तो आपको क्या लगता है कि हम ह्यूमन सिविलाइज रह सकते हैं? नहीं गॉड से, लेकिन आपका इस्लाम में जाने के लिए अगर सिर्फ गॉड का होना ही जरूरी है तो जिस रिलीजन में आप पैदा हुए उसमें आपको गॉड के कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम लग रहा है, और इस्लाम के गॉड का कॉन्सेप्ट क्या अच्छा लग रहा है आपको? कुछ चीजें हैं जितनी मैंने पढ़ी हैं, मुझे कुछ चीजें बेटर लगी। बताइए क्या क्या कॉन्सेप्ट इस्लाम का, इस्लाम वाले खुदा का आपको अच्छा लगा जो आप सोच रहे हैं कि ये सही है? एक कॉन्सेप्ट बताए कोई कोई जो भी एक लॉजिकल। कॉन्सेप्ट लॉजिकल हो। हाँ आई विल से कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ओके, क्या जस्टिस है? जस्टिस इन टर्म्स ऑफ जो इंसान खराब करता है उसको एंड में खराब रिजल्ट मिलता। ओके, क्या आपको ये चीज पता है? बट आपने मेरा आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं दिया सर, मेरे को ये नहीं, जानना था। मुझे देखो, मुझे उस आर्गुमेंट का जवाब देने के लिए इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, वो फिर कोई भी खुदा से रिलेटेड हो जाएगा और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं, खुदा को मेरा मानते हैं नहीं पॉइंट ये मानते है कि भाई, आप किसी भी रिलीजन में रहे, उसकी भाई कुछ मोहम्मद शमी, चीजें मोहम्मद लॉजिक में शमी, नहीं रहे। हाँ मोहम्मद शमी, जी, ठीक देखो देखो, इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। आपने इस्लाम का कॉन्सेप्ट खुदा का क्या सही लगा, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप बात कर सकते हैं, बाकी सिर्फ खुदा के तसव्वुर के बिना आप जिंदगी गुजार सकते हैं नहीं गुजार सकते, ये आप मेरे नॉन मोमिन स्ट्रीम में आके मुझसे जवाब ले लेना। इसी वजह से मैं मौका नहीं दे रहा था आपको, और इसी वजह से कहा था कि इतना अच्छा लग रहा है तो जाओ जाके पेंसिल अपनी छिलवा लो, खतना कर लो, और उसके बाद फिर मेरे से एज अ मुस्लिम बात करने के लिए आना। क्या ऐसे भी तो हो कर सकता हूँ ना मैं, कि मैं सारी चीजें जो लिखी है उस पर ना मानू, जो चीजें मुझे राइट लग रही है लॉजिक से उसी को मानू। इस्लाम में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया है कि जो सही चीजें लग रही है वो मानना है, जो सही चीजें नहीं लग रही है वो नहीं माननी। आप कुछ दिखा सकते हो इसका प्रूफ, इन टर्म्स ऑफ ओके कुरान में कहाँ लिखा है ऐसा? मैं बताता हूं आपको भी, और ये चीज तो आप बाकी रिलीजन में रह के भी कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें लग रही हो मानो, जो अच्छी चीजें नहीं लग रही हो मत मानो, तो नहीं, इसके लिए आपको ऐसा इस्लाम भी में जाने ट्रू की नहीं क्या है, जरूरत है? क्या ऐसा भी ट्रू नहीं है। जिस रिलीजन से मैं आता हूँ उसमें भी अलाउड नहीं है सर। अलाउड नहीं है? बाकी कल्चर्स को आप पढ़ सकते हो, बट इट इज कि आपको अपने फेथ पे ट्रू रहना पड़ेगा। इवन इफ आप किसने पढ़ बोला? सकते हो, कौन बट आप से रिलीजन से आते हैं आप? सनातन, अच्छा, सनातन में आप जो है ओपन माइंडेड नहीं रह सकते? जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपको अपने हाँ ट्रू सनातनिज्म को लीव नहीं कर सकते। अच्छा चलो, मैं सनातन के ऊपर तो आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, आप जो है पर कोई
सनातनी वेबसाइट पे जाके सॉरी चैनल पे जाके, यही है कि अगर अगर आप सारे मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम कर दोगे भाई 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 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तो वो भाई 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 ये जो आपने सवाल किया ना उसका जवाब ले लो, मैं अच्छी चीज को लूंगा बाकी चीज को नहीं लूंगा। ये देखो ये कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 है, क्या कहती है? वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलुहु फकद ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। क्या मतलब है इसका? हिंदी आती है आपको? अब इंग्लिश इंग्लिश होंगी। हिंदी नहीं आती? इंग्लिश नहीं, मतलब आती है पढ़नी पर मेरे को इंग्लिश कंफर्टेबल है ज्यादा। ओके हां पढ़ो। It is not believing a man or believing a woman when Allah, His Messenger have decided on a matter, they should thereafter have any choice about that affair and whoever disobeys. Okay, when नीचे करना, when God and His Messenger have decided on the matter. हो गई ना यार, खत्म हो गई। अच्छा इतनी है, but इसमें ये कैसे आ गया कि It is not for a believing man or a believing woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should thereafter have any choice about their affair and whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly stayed into clear error. ये आयत ये कह रही है कि किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए के पास ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दे तो वो उसकी नाफरमानी करे या उसमें वो ये कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में। आपको इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप उसकी बास चीजों को सही मानो और बास चीजों को गलत मानो। जो अल्लाह और उसके मैं आपका हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आर्गुमेंट वैलिड है। मैं आपको कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम कहता है कि आप खा सकते हो नॉनवेज और मैं नॉनवेज मान लो नहीं खाता, इट इज माय ऑप्शन, तो अगर मेरे को इजाजत दे रहा है जरूरी नहीं है कि मेरे को उनकी इजाजत को भाई 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 आप नॉनवेज आपको पसंद नहीं आप नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन आप ये कहोगे कि नॉनवेज खाना गलत है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है आपको कि नॉनवेज खाने को गलत कहे। दोनों बात में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैं आप अगर नॉनवेज बट मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा ना लॉजिकली जब मुझे भाई, तो भाई लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है ना कि आप नॉनवेज नहीं खाओ, सॉरी नॉनवेज को गलत बोलो। नहीं मैं नॉनवेज को गलत नहीं बोल रहा बट मैं नहीं खाऊंगा। तो क्यों नहीं खा रहे? बस मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे बोल दूंगा। ओके आपको फिर वो चीज बताओ जो आप ये कह रहे हो कि मुझे गलत लगेगी मैं वो नहीं करूंगा, कोई गलत चीज बताओ। जैसे आपका एक्सट्रीम देखा था स्लेवरी का फॉर एग्जांपल एससी, अभी मैं घर पे हूँ तो मैं ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, बट जो आप स्लेवरी क्यों नहीं बोल सकते, अच्छी बात है बोलो। नहीं नहीं मैं उसको जो भी लिखा है ठीक है मैं मान लेता हूँ, बट मैं उसे करूंगा नहीं इम्प्लीमेंट। नहीं मान लेता हूँ ठीक है भाई 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 भाई, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या स्लेवरी को गलत समझते आप? नहीं मैं नहीं गलत समझूंगा स्लेवरी को, आप गलत जरूरी आप स्लेवरी को गलत नहीं समझते, पर मैं करूंगा नहीं ना भाई। आप स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? अगर अगर मान लो अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं नहीं करता वो चीज तो क्या वो सही नहीं है? अरे भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? मैं समझता क्या हूँ, बट जो लिखा है मैं उसको मान लेता हूँ, पर मैं वो करूंगा। अभी इसी वजह से मैं नहीं ले रहा था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऑप्शन तो है ना मेरे पास सर कि मैं क्या आप स्लेवरी को सही समझते हो या गलत समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? मेरे लॉजिक में मुझे फ्लॉ दिख गया वैसे। क्या मेरे को दिख गया? मेरा आर्गुमेंट सही नहीं था। अगर मैं सही नहीं समझता तो मैं उसे फॉलो भी कर सकता, बट अगर दूसरा फॉलो कर रहा होगा तो भी तो मुझे तकलीफ होगी। पर हाँ मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? स्लेव को पकड़ना, स्लेव बनाना, सेक्स करना, उसको बेचना, मुझे एग्जैक्ट दिखा सकते हैं क्या कि एग्जैक्ट बिल्कुल लिखा हो? पहले ये सही समझते हो या गलत समझते हो पहले ये बताओ। गलत ही है यार, इसमें क्यों बात गलत है? एग्जैक्टली अब जब कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो, दिखा दो। बता रहा हूं ना मेरे प्यारे भाई,
सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5 ठीक है पढ़ो ये इंग्लिश में एंड दोज़ हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स हु गार्ड देयर चैस्टिटी ठीक है ओके Sons and wives who have right possessed for indeed they have right through themselves. ये पढ़ो These are not to blame. इसमें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते कि जिस टाइम पे सही है उस टाइम पे थी अब नहीं है क्या कोई भी जमाने में आपकी बहन को पकड़ के स्लेव बनाया जाए कोई भी जमाने में आज 1400 साल पहले 2000 साल पहले कोई भी जमाने में आपकी बहन को स्लेव बनाया जाए उनके साथ सेक्स किया जाए और उनको बेचा जाए हिस्टोरिकली आप इसको सही मानेंगे अगर उनका कंसेंट हो फिर क्या प्रॉब्लम है अबे स्लेव बनने का कोई कंसेंट देगा सेक्स करवाने का जो आप जो है कोई ये कंसेंट देगा कि भाई मुझे स्लेव बनाओ और मुझे सेक्स मेरे साथ सेक्स करो मेरे को मार्केट में बेचो ये कोई कंसेंट देगा तेरी बहन देगी तो देगा अपनी बहन के लिए कंसेंट उस टाइम पे क्या चल रहा होगा मेरे को कैसे पता तू होता उस टाइम तो देता अपनी बहन को कंसेंट अपनी बहन का कंसेंट देता मेरी बहन को स्लेव बनाओ उसके साथ सेक्स करो उसको बेचो तू देता कंसेंट नहीं तो क्यों ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग के अंदर की शर्म बिल्कुल मर चुकी है क्या ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मैं आज के टाइम पे ये वाला रूल मानूं पर मैं तेरे को मैं आज भाई ये कुरान जो है ये आज के टाइम के लिए उस टाइम के लिए था या कयामत तक के लिए है कयामत तक के लिए तो ये रूल जो है जो बता रहा है अल्लाह जो अलाउ कर रहा है वो कयामत तक के लिए है ना पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने विद टाइम विद हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर दी हो मतलब तू ये कह रहा है कि कुरान चेंज हो गया है नहीं मैं ये नहीं कह रहा बट हो सकता है कि किसी ने हो सकता है कि ये इंटरप्रिटेशन सही ना हो अबे यहाँ इंटरप्रिटेशन क्या है साफ साफ लिखा हुआ है इसमें इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है आई मीन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन गलत लिखी हो ऐसा भी हो सकता है ट्रांसलेशन अबे यार कैसे है तुम लोग यार ये देख अरबी में जाते अरबी पढ़ते और ये सब सारे के सारे है कौन कौन ये इतने ट्रांसलेशन करने वाले जिन्होंने सब ने ट्रांसलेशन गलत किए 12-13 लोगों ने ठीक है अरबी में क्या है वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून ये लिफुरूज फुरूजिहिम जो है ये आपके प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है ठीक है हाफिजून हिफाजत करते हैं वो लोग वल्लदीना वो लोग और वो लोग व मतलब और अल्लदीना वो लोग और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं अरबी में है इल्ला मतलब सिवाय एक्सेप्ट अला अजवाजिहिम अपनी बीवियों के अजवाज यानी बीवी अजवाजिहिम औ मा मलकत एमानुहुम और वो जो तुम्हारे मिलके यमीन में यानी राइट हैंड पोजेस स्लेव्स फइन्नहुम गैरु मलूमीन तो ऐसे लोगों के लिए कोई मलामत नहीं है भाई एक चीज का और आंसर करें कुछ चीजें मान लेता हूँ मैं एक चीज का आंसर नहीं पहले भाई 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 पहले ये आपका पॉइंट सही है ठीक है मैं मान लिया हाँ तो उसको पहले क्लियर कर भाई वो कंप्लीट होने दो मेरा पॉइंट सही है ना तो कंप्लीट होने दो अब यहाँ पे आपने कहा कि आप इस बात को गलत मानते हैं राइट हाँ जी एग्जैक्टली लेकिन क्या कुरान आपको इस बात की इजाजत देता है कि इस बात को आप गलत मानो कुरान इजाजत देता है नहीं देता है। तो फिर आपका जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था कि मैं सही चीजों को लूंगा गलत चीजों को नहीं लूंगा इस्लाम कुरान आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है पर जरूरी थोड़ी ना कि मुझे आज के टाइम पे स्लेवरी प्रैक्टिस करना है भाई प्रैक्टिस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं इस घटिया अमल को अलाउ किया जा रहा है उसको गलत समझने की का ऑप्शन क्या तुम्हें कुरान दे रहा है नहीं दे रहा बट मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंट तो अपने ऊपर होता है ना इंसान के ऊपर अबे जब गलत को गलत तू कह नहीं सकता तो ऐसी जगह पे क्यों जाना तुझे साहिल भाई और क्या कोई खुदा इस तरीके की का काम करने के लिए अलाउ करेगा जो बातें मतलब ठीक है मैं आपकी बात समझ गया क्या खुदा इस तरीके का काम करने को अलाउ करेगा
साहिल भाई बस मुझे एक डाउट है इस पूरे, क्या कोई खुदा इस तरीके के अमल करने को अलाउ करेगा? नहीं करेगा, मैं मान लिया। थैंक यू, मतलब ये खुदा नहीं हो सकता। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर नहीं भाई लाइन टू लाइन चलो, आपने कहा कि कोई मान ली मैंने, पर नहीं हुआ, नहीं ना कंप्लीट हुआ, तो आप ये मानते हो कि ये कुरान वाला जो अल्लाह ये कोई खुदा नहीं हो सकता? इसको मानने के लिए मुझे और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, हो सकता है कि किसी ने कुरान में, जैसे किसी और ने कुछ चेंजेस कर दी हूं बुक में। अरे तो फिर तो ये मानते हो कि कुरान में चेंजेस हुआ है? हो सकता है, मेरे को श्योर नहीं है। ओके, पर हो सकता है। तो कुरान का ये क्लेम कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया, हमने हिफाजत करेंगे, तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, फिर से ये खुदा की किताब नहीं हो सकती? ऐसा कहीं पे लिखा है आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? ये तो मैंने भाई जब अल्लाह कह रहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और उसको वो चेंज होने से बचा नहीं सका, तो ये क्लेम ही पूरा कुरान का जो वो फेक हो गया ना। अच्छा, ये एक बार आप दिखा सकते हैं कहाँ लिखा है क्या एग्जैक्टली कि कोई मतलब कोई चेंज नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है रक्षा करना, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि उसके बाद भी किसी ने कर दिया हो। तो वो रक्षा नहीं कर पाया ना फिर? हाँ, हो सकता है। एग्जैक्टली, तो जो क्लेम किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा करप्ट होने से, वो अब नहीं रहा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो किसने करा था गारंटी, वो रसूल ने करा था या गॉड ने करा था कि ये चीज चेंज नहीं हो सकती, ये गारंटी किसने दी? कुरान है ना, कुरान का तो ये माना माना के बारे में ये माना जाता है ना कि ये अल्लाह की तरफ से है। पर ये एक बार आप मुझे दिखा दो, मेरे को विश्वास क्या नहीं है इस दिखाऊं? बार कि ये लिखा है जहां पे कि ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये मैंने लाइन कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है मैं बता दूं, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, पढ़ो ये। Indeed, it is we who sent down the message, and indeed, इधर we कौन है? अल्लाह, वो कहाँ पे अल्लाह लिखा ने भेजा ना है? कुरान। But we क्यों कह रहा है? आए लिखना चाहिए ना। हाँ, अब वो एक ये एक अलग प्रॉब्लम है कि अल्लाह को अगर वो एक है तो उसको वी नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो मुसलते हैं वो ये कहते हैं कि ये रॉयल वी है, हमने, जैसा हम कहते हैं ना हमने, ये वो है। ठीक है, इसको छोड़ दो, मेन जो चीज है कि ये प्रोटेक्शन की जो बात कर रहा है ये फेल हो जाता है। देखो, ये भी हो अगर सकता आप है कि ये ये कहते भी हो किसी कि किसी रसूल ने लिखा हो या किसी ने लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं कैसे मान तो लूं कि अल्लाह भी की अल्लाह तरफ, के लिए रेफर कर भाई रहा है? फिर वो अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ ना, फिर जो ये बुनियादी क्लेम है कि ये अल्लाह की तरफ से है, वो भी खारिज हो जाता है। समझ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है, मैं समझ गया। तो आप मुझे क्यों बस जाना एक है चीज भाई? बता दीजिए, मुझे मुझे बस एक चीज बता दीजिए, अगर चलो मान लेता हूं मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6 चीजें खराब आपने बता दी, पर जो 100 चीजें सही लिखी है मेरे हिसाब से, और जो 6 चीजें जो चीजें आज के हिसाब से नहीं है वो अच्छा मैं समझ मुझे गया। एक बात बता, और फिर से मैं वो एग्जांपल दूंगा, अगर तुमको एक गिलास शरबत में 2 बूंद पेशाब का डाल के दूं तो पी लेगा? पर इससे क्या होगा अगर सारे, मान लो अगर सारे हाँ तो छोड़ बोलना मैं देंगे, पी लूंगा, बोल मैं पी लूंगा। पर वो अगर सारी, उससे तो अच्छा ही है ना अगर सारी की सारी खराब चीजें ही हो। हाँ तो अगर बोल दे कोई के मैं पी भगवान, लूंगा, बोल दे अगर मैं कोई, पेशाब 2 बूंद पेशाब के साथ पी लूंगा। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, पर उससे तो अच्छा ही है ना कि अगर सारा वो हो। हाँ ना भाई, उससे बाकी, भाई देख, पूरा पेशाब पीने से अच्छा 2 बूंद पेशाब के साथ मैं पी लूंगा, ऐसा बोल। हाँ ये बोल रहा हूँ, बोल दे, यही बोला मैंने, सेम चीज है। मुंह से बोल कि शरबत में दो दो बूंद पेशाब का डाल के दोगे तो मैं पी लूंगा। मेरे पास आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के अभी आंसर नहीं है, मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ, भाई ठीक है? तू पहले ये बोल देना, अभी तूने हाँ बोला ना, जरा एक स्टेटमेंट ये बोल दे कि एक गिलास शरबत में अगर 2 बूंद पेशाब का डाल के दिया जाए तो मैं पी लूंगा, बोल दे। मेरे को थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम दे दीजिए, मैं क्या हुआ? प्रिपेयर करके आता हूँ, तू प्रिपेयर नहीं, तू सीधा जाके खतना करा क्या भाई? ठीक है, यार इतना दिमागी अपंग कोई कैसे हो सकता है?
साहिब ये चीज और है ना इसमें कि इस्लाम के अंदर जो है सिलेक्टिव अप्रोच चलती नहीं आप है ही नहीं ना, वो तो बताया ना मैंने। हाँ अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच करोगे मुनाफिक आप हिपोक्रेट हो और उस जो जहन्नुम में हो जाते फिर आप एग्जैक्टली अरे वो एक आयत जो है सूरह अहज़ाब की 36 जो मैंने बताया कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसमें उंगली करें कि मैं ये गलत मानूंगा, है ही नहीं ऑप्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इतना समझाने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ भाई पियो पेशाब वाला शरबत पियो, तुमको मुबारक। एक चीज बोलूं साहिल भाई, एक एडवांटेज देखिए आपका जो आप ये एक्टिविज्म कर रहे हैं उसका, कि एक बंदा जो है एक गलत जगह जाने के पहले कम से कम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके क्वेश्चन करके अपने आप को महफूज तो कर सकता है उस गलत जगह जाने से। अगर इसको इस बंदे को ये क्वेश्चनिंग नहीं करता ये जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे आया है तो ये हो सकता है कि ये इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता। सही बात है। लेकिन लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है कम से कम एक भले ही जो है एक फ्यूचर मुस्लिम है अगर जो इस्लाम को कबूल करना चाह रहा है उसके अंदर भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप उस डाउट को डीपन कर सकते हैं आप उसको। बिल्कुल देखो सोचता है समझता है कि नहीं समझता है, कुछ बेटर आर्गुमेंट लेके आता है नहीं लेके आता है। नहीं अब भाई वो नहीं इस्लाम कबूल करेगा किसी सूरत हाल नहीं करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा भाई। नहीं भाई आपने जो बताया इट इज सफिशियंट, उसको इतना ये समझ आ गया होगा कि मैं जिस जगह जा रहा हूं। भाई देखो सीधी सी बात है ये ऑलरेडी मुस्लिम बन गया होगा ठीक है, क्योंकि जो इस्लाम कबूल किया नहीं अभी तक जब उसके सामने ये गंदगी दिखेगी तो जाहिर सी बात है यार वो क्यों जाएगा इस गंदगी में, ही इज ऑलरेडी इनटू इट।